काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम्। भगवान संबंधी ही हमारी सारी कामनाएं हो जाए इसके लिए हमें अभ्यास करना हो। ये भी बताया गया कि जो लोग सकाम भक्त की परिभाषा करते हैं, तमाम संत महात्मा हमारे यहां लगभग सभी भारतवर्ष में कि संसार की वस्तु जो भगवान से मांगते हैं वे सकाम भक्त, कृपालु उनको नास्तिक कहता भक्त नहीं, क्योंकि वे संसार के भक्त हैं। भक्त माने जिसमें मन का लगाव हो, तो उनका संसार में मन का लगाव है इसलिए संसार की याचना करते हैं भगवान से, वो तो भगवान के भक्त ही नहीं है। उनको केवल सकाम बोल दीजिए आप, लेकिन भक्त शब्द न बोलिए, और अगर बोलिए तो माया भक्त बोलिए। और इंद्रियों से जो उपासना करते हैं, मन का लगाव भगवान में नहीं है संसार में है, ऐसे उपासक भी उपासक नहीं, मेन पॉइंट मन है। कुरान शरीफ में लिखा है ऐ मुसलमानों, ये ठीक है काबा पश्चिम में है, लेकिन खुदा पश्चिम में भी है, पूरब में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, इसलिए तुम किसी भी ओर मुंह करके नमाज पढ़ो वो खुदा को ही मिलेगी। ये मत समझो कि पश्चिम की तरफ मुंह करके ही अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो खुदा के पास पहुंचेंगे, लेकिन वो हृदय से पढ़ना पड़ेगा, शब्दों से नहीं। वो तो फिजिकल ड्रिल है, जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम। और आजकल योगा के बड़े बड़े क्लास चलते हैं इंडिया में, वो क्या है व्यायाम, शारीरिक व्यायाम को हम योग करते हैं। योग शब्द का अर्थ है संयोगो योग इत्युक्तः, जीवात्म परमात्मनो, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम योग हुआ करता। लेकिन हम योग शब्द का वर्तमान काल में सारी दुनिया में क्या कर रहे हैं, आसन प्राणायाम बहुत से बहुत, ये सब फिजिकल बात है, ठीक है शरीर के स्वास्थ्य के लिए बुरा नहीं है, लेकिन ये योग नहीं है। योग की परिभाषा तो स्वयं पतंजलि ने की है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर ले, अब कैसा निरोध कर ले, उसको रोक के पेंडिंग में रखे रहे, नहीं ईश्वर प्रणिधानात्मा भगवान ने लगा दे, वो योग है। इसी प्रकार जितने भी हमारे हर धर्म में उपासना के नाटक हो रहे हैं, नाटक कहते हैं माने पैक्रो हो बनावट, और बहुत दिखाई पड़ रहा है, घर घर ठाकुर जी की पूजा है, ठाकुर जी की मूर्तियां है, वो किसी रूप में हो, निराकार मानने वाले आर्य समाजी भी दयानंद की फोटो रखे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, ईसा मसीह की फोटो रखे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। एक सूफी संत ने कहा काबा काबा है, सनम खाना सनम खाना, ले टूटा दिल ही है असली जानाना। जब तक तुम्हारा हृदय न तड़पे खुदा के लिए भगवान के लिए, तब तक सब निरर्थ। तुम समझते रहो बड़ी उपासना कर रहे हैं, हम चार बार पांच बार संध्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये पढ़ने और करने से कुछ नहीं होगा, मन का लगाव करना उससे काम करना, मन का अटैचमेंट अगर नहीं होगा तो वो सारा वर्ग दिलों से बुरा समझा जाएगा, ईश्वर के यहां लिखा ही नहीं जाएगा, उसका नाम उपासना नहीं। उपासना माने मैंने बार बार समझाया है कि मन का
जिस पर्सनैलिटी के पास जाना शुद्ध हो, यानी मन की आसक्ति जहां पर हो बस वो उपासना। मुख से आप बोले कुछ इससे मतलब नहीं, मन का लगाव कहा बस इतने से मतलब। भगवान को चोर लंपट इन शब्दों में पुकारा है संतों ने, जो उच्च कोट के महारसिक संतों में भी टॉप करने वाले आश्लिष्यवा करो तुवा यथा तथा विदधा तुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरा। गौरांग महाप्रभु के वाक्य है, लंपट चैलेंज करता हूं मैं तुझको, चाहे मुझसे प्यार कर ले, चाहे मुझे मार दे, चाहे अनजान बनकर तड़पा ले, लेकिन मेरे प्यार में कमी नहीं होगी। आप तो प्रत्येक क्षण वर्धमानम तो बढ़ता ही जाएगा, तेरे किसी व्यवहार से मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। इस सिद्धांत को जो समझ ले वो प्रेम जगत में पैर रखे, और जो व्यवहार से प्यार को नापने का अभ्यस्त हो वो ईश्वरीय जगत में नहीं चल सकता, किसी संत की शरणागति भी नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवहार बहिरंग वस्तु है। संत भी व्यवहार कभी कभी अपने भक्त के प्रति उसके कल्याण के लिए विपरीत कर देता है। व्यवहार मत देखो, तुम्हारे पास एक फार्मूला, तुमको हमें बता रहे पैमाना, उसको नोट रखो सदा। क्या ये यथा नाम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जितनी मात्रा में हम महापुरुष के शरणागत होंगे, भगवान के शरणागत होंगे, उतनी मात्रा में उनको कृपा करनी पड़ेगी, उतना प्यार उनको करना पड़ेगा। कहने उनकी हिम्मत नहीं है कि वो न कर। कबीर दास रामानंद के पास गए और कहा, महाराज हम आपको गुरु रूप में वर्णन करना चाहते हैं, मैंने समझ लिया है कि आप महापुरुष हैं, और बिना महापुरुष की कृपा के भगवत प्राप्ति असंभव। रामानंद ने कहा, मेरी जात का पता नहीं, तू हिंदू है कि मुसलमान, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा। कबीर दास ने कहा कि महाराज आपने एक दिन लेक्चर में कहा कि अगर कोई जीव संत और भगवान को मन से गुरु मान ले तो उस संत को उस भगवान को उसे शिष्य मानना ही पड़ेगा, उतनी ही लिमिट में जितनी लिमिट में उसने माना। ये कानून में बना हुआ है संत और भगवान, उसकी हिम्मत नहीं है, है। रोए जा हमें कोई परवाह नहीं तुम्हारी, ये दुनिया वाले कर सकते हैं, संत और भगवान नहीं कर सकते। जब हमको ये कानून मालूम हो गया तो हम ये कभी जानने की चेष्टा ही ना करें कि गुरु हमसे कितना प्यार करता है, भगवान हमसे कितना प्यार करता है। अपने हृदय पर हाथ रखकर देख ले हम कितना करते हैं, उतना वो भी करता होगा, करना पड़ेगा। 10% चैलेंज, खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। दुनिया में तो खोपड़ी लगाते हैं हम लोग, संसारी प्यार में हम तो इससे इतना प्यार करते हैं, ये तो बहुत कम करता है, हमने 4 चिट्ठी भेजा है, इसने 2 ही भेजी। ऐसा हम लोग भावार्थ लगाते हैं संसारी प्रेम में। तो ये सब बाहरी व्यवहार भगवान और महापुरुष के जगत में जाने वाले न सोचे हैं, हमारा जिसमें कल्याण होगा वैसा वो व्यवहार करेंगे। हमें सब सहर्ष सौभाग्य मानकर स्वीकार करना है, अपना सौभाग्य मानकर। लक्ष्मण को साथ ले लिया राम ने, भरत को कह दिया तुम मत जाओ हमारे साथ, उनको वियोग दे दिया।
अरे छोड़ो लक्ष्मण भरत का हाल, साक्षात गोपियों बोलो लोसिकों की मूर्धन्य राधा सहित सबका परित्याग करके योग दे करके, और साधारण जो भक्त है रुक्मणी वगैरह वह 100 वर्ष रहे द्वारिका में ठाट। सारा संसार ही तो कहेगा रुक्मणी वगैरह का बड़ा भारी प्यार होगा, तभी तो आप बने हुए हैं, राधा वगैरह का उस क्लास का प्यार न रहा होगा इसलिए वहां नहीं गए। चार पैसे का 20 आम तो 20 पैसे का 100 आम था। ऐसे गणित लगाएंगे हम लोग, लगाए होंगे उस जमाने में भी हम लोग थे, हम लोग कभी पेंडिंग में नहीं रहते, ऐसे आया जाया करते हैं, घूमा करते हैं, किसी के बेटे बने होंगे, किसी के बाप बने होंगे, और खोपड़ी लगाया होगा हम लोगों ने इसे। बाद में जब रसिकों ने रहस्य समझाया, अरे नहीं गोपियों की तो चरण धूल भी नहीं है रुक्मिणी, यदमान छाया शरीर लगना चरत तपो याय कामान सुचि अंधृत व्रता, वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकी बिचारी लक्ष्मी। अब भगवान के हृदय में रहती, भगवान के हृदय में रहती है लक्ष्मी, दो चीज रहती है हृदय में, एक लक्ष्मी और एक भृगु महाराज का लाभ चरण तिम्ह। आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा ये दो चीजों को भगवान सदा साथ रखते हैं। लेकिन वृंदावन के रास का जब प्रश्न आया तो वहां लक्ष्मी बिचारी बाघ प्रवेश नहीं मिला। सोचो इतनी तपश्चर्या करने पर भी और लक्ष्मी को तो भाग्य नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान किसके साथ, महापुरुष किसके साथ क्या व्यवहार करता है, ये रहस्यात्मक बात होती है। इसमें वर्तमान काल, उसका भूतकाल, उसका भविष्यकाल, उसके संस्कार, तमाम बातों को देख कर सोच कर विचार कर उसके कल्याण के निमित्त वर्त करता है। इसलिए कभी भी हमको उसके व्यवहार को देखकर प्यार को नहीं नापना। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो भगवत प्राप्ति तक काम देगा, ताकि कभी कंफ्यूजन हो ही ना। आज ही हम गए बनगर तो महाराज के सामने से निकल गए, ये भी नहीं कहा अरे तुम कब आए, अरे हमें क्यों याद करेंगे, तो बड़े बड़े आदमी को याद करते होगी। ये स्थिति है लोगों को, इतना समझाने पर भी इतनी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग, चिट्ठी भी लिखते, ये अपनी कमजोरी है। तो हमें बहिरंग व्यवहार नहीं देखना है, क्योंकि ईश्वर के यहां ये बहिरंग व्यवहार होते ही नहीं होता। मिला मुझे लेबर क्यों करूं, जब लोटे ही नहीं होना है तो परिश्रम करने का क्या मतलब, निरर्थक। तो कोई भी कर्म मन से ही संबंध रखता है, ये अकाट्य नियम है। अच्छा कर्म हो, धर्म हो, चाहे बुरा कर्म हो, पाप हो, और चाहे धर्म कर्म से पड़े वाला भक्ति हो, कोई भी चीज हो, ईश्वर के यहां केवल मन का ही निरीक्षण होगा, वही नोट होगा। इसलिए हम ये समझ ले कि हमने अब तक जो कुछ साधना की है उसमें मन का लगाव कितना किया, ये मत जोड़िए हम 20 साल के पुराने सत्संगी हैं, 20 साल के नहीं है आप, अनंत काल के। अरे नक्ष बाजू के पास आए होंगे और कहीं गए होंगे, आपने सत्संग अनाद काल से कर रखा है, लेकिन ठीक ठीक मन का संग नहीं किया, तो क्या करेगा 20 साल, क्या करेगा 20 जन्म। ठीक ठीक कर देते अगर तो फिर सकदेव एक पारी काफी है। इसलिए केवल संसार की कामना रख करके भगवान की उपासना का स्वांग रचना ये सकाम भक्त नहीं। श्री कृष्ण का सकाम भक्त और निष्काम भक्त कौन है, आगे समझिए।
जो श्री कृष्ण संबंधी इंद्रियों का सुख चाहता है अपने सुख की, और ध्यान से समझिए, बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है हजार बार समझाने पर भी, अपने सुख के लिए श्री कृष्ण संबंधी सामान चाहना, अपने सुख के लिए अपनी आंखें श्याम सुंदर को देखें, अपने कान श्याम सुंदर के शब्द सुने, अपनी नासिका श्याम सुंदर की गंध ले, अपनी रसना श्याम सुंदर का रस पिए, अपना रोम रोम श्याम सुंदर का आलिंगन करे, ये जो कामना हमारी इंद्रियों की है श्याम सुंदर संबंधी, यदि अपने सुख के लिए है तो वो सकाम भक्त है, और यदि यही सब कामना श्री कृष्ण के सुख के लिए है तो निष्काम भक्त है। बस जरा सी बात, लेकिन जरा सी बात में बहुत बड़ा अंतर है। जो अपने सुख की ही कामना करता है, अपने शरीर के मायिक सुख की नहीं, श्याम सुंदर संबंधी, उसमें क्या गड़बड़ होती है वो समझ लो। गड़बड़ ये होती है कि जैसे हम श्याम सुंदर का दर्शन चाहते हैं, तो दर्शन नहीं दिया तो क्या होगा, मूड ऑफ होगा, हमारे प्यार में कमी हुई। श्याम सुंदर में हमने कठोरता का चिंतन प्रारंभ कर दिया। श्याम सुंदर इतने दयालु हैं, सुखदेव सलीखे परमहंस अपनी समाधि भुला बैठे कि जिस पूतना ने मन में दुर्भावना करके अस्त्रों से दहन पिलाया उसको भी अपना लोक दे दिया। यह बात सुनकर के अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान सया पायसाध्वी लेभे गतु धातुचितापोण्यम कम दयालु शरण ब्रजेव। इतने दयालु लोगों ने क्वेश्चन किया, क्यों जी आप तो मन की भावना नोट करते हैं, उसके मन की भावना क्या थी, मार डालू तो हमने भी उसको मार डाल दिया, उसने हमको मार डालने की भावना बनाई थी तो हमने उसको मार डाला। लेकिन अब ऐसा है कि जब उसके स्तन को हमने अपने मुख में डाल लिया तो मेरी माँ होगी, हो गई मान लिया, हमने कहा जाओ तुम भी जाओ हमारे लोग। मतलब ये है कि भगवान के हाथ से जो भी मरेगा वो तो भगवान के लोग को जाएगा ही, इतना बड़ा सौभाग्य किसको मिलेगा कि भगवान का स्पर्श वक्षस्थल पर मिल रहा है पूतना को मरने पर। पूतना जब उड़ा के ले गई, भगवान दोनों हाथ से स्तन जोर से पकड़े थे, बड़े बड़े अस्तन थे उसके, कम से कम 100-200 फुट लंबे चौड़े थे, और छोटा सा हाथ भगवान का, फिर भी इतने जोर से पकड़े थे कि जब आकाश में लेकर उड़ी है तो भगवान गिरे नहीं बीच में, पकड़े ही नहीं, और उसके अस्तन के अगले भाग को अपने मुख से दबाए है जोर से ताकि गिरे न, और उसी अगले भाग को दबा करके उसी से प्राण खींच लिया, ऊपर एक मार दिया, ऊपर नीचे नहीं आके मारा, ऊपर ही मारा, फिर वो कई फरलांग की लंबी को बन गई थी और गिरी नीचे को, तमाम धराशायी हो गए पेड़ हजारों, फिर भी भगवान उसके अस्तन को नहीं छोड़े, उसी प्रकार मुंह में डाले रहे। यशोदा वगैरह दौड़ी भागी, हाय मेरा बच्चा तो मर गया होगा अपने लाड़ा को खाने के लिए गई, तब भी वो उसी पूतना के स्तन में बैठे थे। तो सोचो
इतनी बढ़िया मृत्यु किसको मिलेगी कि भगवान उसके वक्षस्थल में लिपटे हुए हैं मृत्यु काल में भी। तो भगवान इतने दयालु हैं कि मार डालने की मनसा से अस्तन पिलाने वाली पूतना को अपना लोक दे दिया। तो फिर भला बताओ ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोड़कर है मूर्ख जीव और किसकी शरण में जाना चाहता और कौन क्या देगा। अगर होगा विजय जी के पास तो क्या देगा, इतनी दया है उसके। तो अपने सुख की कामना को रख करके भगवान से प्यार करने में ये गड़बड़ है कि हमारे प्यार में बीच बीच में ब्रेक लग जाए और पहली अवस्था में तो एकदम गड़बड़ भी हो सकता और फिर प्रेम की जो परिभाषा है वो केवल दो अक्षरों में है, दान, देना 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 इसका नाम प्रेम, लेना 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 इसका नाम कामना, और लेना देना लेना देना इसका नाम बिजनेस, व्यापार। संसार में हम लोग जो प्यार करते हैं वहां क्या है, लेना 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 और कहीं कहीं लेना देना बस, इसके आगे कभी नहीं कुछ किए न सोचे न समझे। अब हमको नया पाठ पढ़ना है ईश्वरी जगत में कि देना देना प्रेम है। हम अपने प्रेमास्पद को अपने स्वामी को दे, लेने की बात सोचे ना, हम लेने नहीं आए कुछ देने आए, वो भी क्या याद करेगा कुछ दानी मिला था क्या है तुम्हारे पास, कूड़ा कबाड़ा शरीर, कूड़ा कबाड़ा मन, कूड़ा कबाड़ा बुद्धि, अरे जो भी है आए तो मदनमोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी से बनाना प्रारंभ किया, एक भिखारी ने उनको थोड़े से पैसे दिए, उसका नाम लिखा है, उन्होंने कहा बहुत बड़ी रकम मिल गई है, भिखारी ने दिया है बड़ा मूल्य है। आप लोगों ने यक्ष कथा सुनी होगी, एक यक्ष यक्षिणी साप से नकुल बन गए, गिरगिट बन गए और बिल में रहा करते थे, कोई गृहस्थी प्लस महात्मा कई दिन के भूखे थे, सत्तू पिया उन्होंने भीख मांग करके, उस सत्तू के कुछ बूंद गिर गई नीचे उस बिल में, तो वो नकुल के शरीर में सोने का चमड़ा बन गया उसके दूध। तो नकुली ने यक्षिणी ने कहा पति देव सुना है राजसूय यज्ञ करा रहे युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जगत गुरु है उसके, क्या चक्र होगा भला जहां श्री कृष्ण ही आचार्य, तो वहां चले तो सारा शरीर आपका सुवर्ण का हो जाएगा। तो दोनों गए और महायज्ञ में ब्राह्मणों के भोजन के बाद खूब लोटे, तो कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे रह गए। जब सभा लगी श्री कृष्ण भी बैठे, सारे पांडव बैठे, तो यक्ष खड़ा हुआ उनके बीच में जाकर और उनने कहा फिर यज्ञ युधिष्ठिर हत्य, युधिष्ठिर के यज्ञ को धिक्कार, भीमसेन ने गदा उठा, ये बदतमीज कहने वाला कौन होता है, जहां श्री कृष्ण आचार्य है उस यज्ञ को धिक्कार कहने वाली कौन सी पर्सनैलिटी पैदा होगी, इतना क्रोध। श्री कृष्ण ने कहा बैठ बैठ, हर समय गुस्सा, हर समय शरीर का अहंकार, अरे पूछ बोले क्यों कह रहा है। जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं यक्ष हूं, शाप से नकुल बन गया था, लेकिन एक भिखारी गृहस्थी के सत्तू
के बूंद से मेरा शरीर का चमड़ा स्वर्ण का बन गया और तुम्हारे यज्ञ में इतना हम लोटे पोटे कुछ भी असर नहीं हुआ तो हम और क्या करेंगे। श्री कृष्ण आचार्य हो चाहे श्री कृष्ण के बाप नंद जी हो, पर भाई हमको परिणाम दिख रहा है। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि बिल्कुल ठीक कहता, अर्जुन ने तमाम देशों पर हमला किया और हमला करके उन देशों के राजाओं को परास्त करके उनके खजाने को उठा लाए। ये कानून के अंतर्गत है, अगर एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके जीत ले तो उसका कोषागार ले आवे, वो न्याय सम्मत चिरा के न ले आवे, जीत के ले आवे। उससे कराया गया जबकि और ये ब्राह्मण संत भूखा था, भिक्षा मांग कर सब लाया था, उसका मुकाबला इस यज्ञ से नहीं हो सकता। हृदय से कोई भी वस्तु होती है उसका मूल्य होता है, लिमिट से नहीं होता। एक आदमी करोड़पति है उसने 1,00,000 रुपया दान किया, और एक लखपति है उसने 1,000 दान किया, 1,000 पति है उसने 100 रुपये दान किया, 1 शतपति है उसने 1 रुपया दान किया, सबका बराबर मूल्य लिखा जाएगा ईश्वर में। हाजी मैंने 1,00,000 दिया है तो करोड़पति हो, 1,00,000 दिया तो क्या कमाल किया। तुमको देना ही चाहिए, लीगल है इतना। तो अपने सुख की कामना करने में बहुत हानि है। तो क्या हम श्याम सुंदर को देखने की कामना न करें? क्या श्याम सुंदर के स्पर्श की कामना न करें? उनके शब्द श्रवण की कामना न करें? नहीं करो, अवश्य करो, वो ना करोगे तो गुरु प्यार क्या हुआ, उपासना क्या हुई, वो तो करना ही है। लेकिन उनकी जब इच्छा हो तब दर्शन दें, ये सिद्धांत सामने रखो। गोपियां उद्धव से कहती है, पाए जो नहीं मधुपुरी ही पावे, जानी पावे दुख आए। हम तड़प तड़प करके अपना जीवन बिता देंगे, मेरे लिए वो ना आवे, अगर उनको वहां सुख मिलता है तो वहीं रहे। ये प्यार निष्काम, मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकती, ये सब सही है। निषिदिन बरसत नयन हमारे, सब सही है। युगाय तन निवेशेण, लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत हम अपनी इच्छा बनावे, ये प्रेम नहीं, ये तो स्वार्थ, इसी को सकाम कहते हैं। लेकिन वो श्री कृष्ण संबंधी सामान ही चाहे और अपने सुख के लिए चाहे। श्याम सुंदर को हम देखना चाहते हैं, श्याम सुंदर का आलिंगन चाहते हैं। क्यों? श्याम सुंदर को सुख मिले। ये गोपियां 100 वर्ष तक जीवित रही, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि मामूली मामूली ये जो मलमूत्र पिटारे वाली स्त्रियां हैं, ये पतियों के मरने पर सती हो जाती थी पहले, बहुत सी मर जाती थी, अब भी मर जाती है बहुत सी, और ये अनंत प्रेम में भी अंतिम सीमा वाली गोपियां वियोग में जीवित कैसे रहे? एक पल इनको जीवित नहीं रहना चाहिए कायदे से, लेकिन इसलिए जीवित रही अगर कहीं श्याम सुंदर आ गए और हम उनको न मिले, उन्होंने हमारा नाम पूछा, ललिता कहां है, और किसी ने कहा मर गई, तो उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए हम शरीर धारण रखेंगे, शरीर नहीं छोड़ेंगे, यानी उनके सुख के लिए जीवित है। मत प्राण।
उनका प्राण धारण जो है वो श्याम सुंदर के सुख के लिए, वो ये नहीं मानते श्याम सुंदर भगवान है उनको क्या सुख मिलेगा। भगवान 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 नहीं, संसारी स्त्री जैसे संसारी प्रेसी अपने प्रियतम के लिए सोचती है मेरे बिना वो रह नहीं सकते, देखना मेरी गली में फिर चक्कर लगाएंगे तब फिर आएंगे, इस प्रकार की भावना से हमें भगवान से प्यार करना है। हवा नहीं बनाना है, अरे कहा भगवान कहा है भला मेरे दर्शन के लिए क्या व्याकुल होंगे, वो होते हैं होना पड़ता है क्योंकि हम उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनको रूप नहीं चाहिए, गुण नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, मन की व्याकुलता आपकी है इसलिए वो व्याकुल हो रहे हैं। ये उद्या की सुंदरता पर नहीं जीत गए थे, लेकिन वो जो कुब्जा का भीतर वाला हृदय सरल था, बाहर से तेरी थी भीतर से सीधी थी। सरल हृदय होता है संतों का सरल हृदय, बाहर से उल्टा पलटा व्यवहार करते हैं भीतर से सरल होते हैं। तो वो जो भीतर वाला हृदय है उससे प्यार करते हैं श्याम सुंदर, इसलिए उन्होंने कुब्जा को सुंदरी बनाया और उसको अपनी स्त्री का दर्जा दे दिया, एक नौकरानी को जिसकी कहीं गिनती नहीं कर सके हो, वो है कौन जिसकी शकल देख कर लोगों को पिचका लेते थे साधारण लोग। तो भगवान से प्यार करे, एक एक इंद्री की कामना बढ़ावे अवश्य, लेकिन वे हमको जिस समय जो कुछ देना चाहे वो उनकी इच्छा पूर्ण है और उनकी क्रिया में लाज से आई में चलावे। आए तो नहीं आए कोई बात नहीं, किसी को नहीं भेजा कि क्यों 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 वहां मत लगाओ, वहां तुम्हारी बुद्धि क्या प्रकृति बृहस्पति की बुद्धि में फेल हो जाती है। वहां तो बुद्धि की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि क्या है। तो हमको सकाम प्रेम नहीं करना है, ये प्रतिज्ञा कर लो, प्राण भी जा रहा है तो भी हमें श्याम सुंदर से नहीं कहना है आकर बचाओ। अरे श्याम सुंदर बचाएंगे इसे, और फिर शरीर के लिए हम श्याम सुंदर को बुला लें, क्यों बुला, इसलिए बुला इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से कोई प्यार करे, कोई प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती कर ले और उससे कहे कि हमारे यहां आकर के बाथरूम साफ कर जाए, इसीलिए दोस्ती किया है साथ में। अरे भाई संसार में भी हम जिस क्लास के व्यक्ति से प्यार करते हैं उसी क्लास का व्यवहार करते हैं, हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान के सुख के लिए, क्योंकि हम दास हैं, दास का काम दासता करना, स्वामी की सेवा करना, सेवा माने आज्ञा पालन करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, तत् सुख सुखित्वम्। नारद भक्त सूत्र, उनके सुख में सुखी रहना। तो राधा कृष्ण से प्यार करने वालों को ये पहला पाठ पढ़ना है कि उनके दर्शन स्पर्श आज सब की कामनाएं प्रतिक्षण बढ़ाते जाओ, उसी का नाम प्यार है। लेकिन यह सब न मिलने में उनमें दोष मत देखो, अपने में देखो। अभी हमारे आंसू ठीक नहीं, अभी उसमें कुछ मिक्सचर है, प्योर आंसू शुद्ध आंसू जिस क्षण में आए वो निकलेंगे हमारी आंखों से, उसी क्षण में वे आकर पीतांबर से पोछेंगे, पोछना पड़ेगा उनको, उनकी हिम्मत है, बड़े बुजदिल है भगवान इस मामले में।
बड़े कमजोर, इतने कोमल हृदय है कि कोमलता नाम की कोई अगर वास्तविक चीज हो तो उससे भी अधिक कोमल। और कहा सकते हैं अगर अनंत कोट ब्रह्मांड की सारी कोमलता इकट्ठा कर दी जाए तो वो भी 1/4 होगी उनकी कोमलता की, इतने कोमल। तुलसीदास ने पहले तो लिख दिया लेखनी से कि संत हृदय नवनीत समाना, भगवान और संत का हृदय एक सा होता है, कोई चीज दो करने की नहीं होती, इन दोनों मक्खन के समान। इतना लिख करके और फिर सोच में पड़ गई मैंने क्या लिख दिया, तो गलत लिख दिया। लेकिन काटे कैसे, काटना नहीं चाहते तो बदल गए। कहा कबीन, मैं ये कह रहा हूं कहा कबीन पै कहा न जाना, कवियों ने कहा है संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, लेकिन वो सब बेवकूफ है कहने वाले। क्यों कि निज परिताप द्रवही नवनीता, मक्खन के जब स्वयं ताप दिया जाता है, आग जलाई जाती है तब पिघलता है, और संत लोग दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए पिघलते हैं, रस पर फिर हम मक्खन के समान हृदय कैसे कहते हैं, एकदम कुछ ठीक नहीं। इतना कोमल हृदय है उनका, उसका एडवांटेज फायदा उठाना चाहिए उनको। आगे आए कोई पर्सनैलिटी मिल जाए तो लोग कहते हैं बड़ा बुद्धू है, चलो बेवकूफ बनाओ। संसार में अगर मालूम हो जाए बड़ा पैसे वाला है लेकिन बुद्धू है, बंगे घेर लेंगे उसको, ऐसी तरकीबें लगाएंगे, वैसे हिसाब बैठाएंगे कि उसको जीरो कर देंगे। तो अगर ऐसा भोला भाला कोई भगवान है, इतनी बड़ी पावर वाला, तो फिर उसका फायदा उठाना चाहिए। बस हत्ते की हमारी बुद्धि 100% इन सब बातों को एक मिनट स्वीकार विश्वास, मेन चीज है विश्वास। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, भक्ते ही बिनु द्रव ही न राम। कोई भी चीज होगी वो विश्वास पर निर्भर करती है। आपको विश्वास जितनी मात्रा में हो गया बस उतनी मात्रा में आपका काम बन गया, और विश्वास करना ये आपके हाथ में, ये इसको संत और भगवान नहीं करा सकते, उनके हाथ में नहीं। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण खड़े और सब राजा महाराजा बैठे हैं, उनके बीच में कह रहे हैं दुर्योधन, देखो भैया ऐसा है लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता, ये 5 पांडव बेचारे तुम्हारे भाई बंद हैं, इनको 5 गांव दे दो, गुजर बसर कर लेंगे अपना, ये राज्य नहीं चाहते, युद्ध करना ठीक नहीं। राजपूत मंत्र गए बड़े रुआब, मैं जा रहा हूं समझौता करा दूंगा, और सभी को आशा थी अरे जब भगवान जा रहे हैं राजपूत मंत्र के लड़ाई तो होगी नहीं, 100% हम लोग भी वहां रहे होंगे, और हम सब लोगों ने ही कहा होगा लड़ाई लड़ाई नहीं होना है, क्यों वो श्री कृष्ण गए हैं वहां समझाने, बोला उनका समझाया हुआ कौन नहीं मानेगा, सीधे नहीं मानेगा टेढ़े मानेगा, वो टेढ़े भी मनवाना जानते हैं। टेढ़े कैसे, दुर्योधन ने डांट दिया श्री कृष्ण को, गाय के चरवाहे अपर भवा ग्रमचर भट्टाचार्य, तुम क्या जानो पॉलिटिक्स, आज मैं 5 गांव दे दूं
पांडवों को, तो धीरे 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 फिर वो 50 गांव, 500 गांव, 5000 गांव, 5 लाख गांव फिर इंडिया भर को घेर लेंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडिया में आई थी और देखो अंग्रेजों का राज हो गया यहां पर कितने 100 वर्ष तक सबको गुलाम बना दिया उन्होंने। तो एक कंपनी आई थी उसने परमिशन लिया था केवल व्यापार करने के लिए हमारे और तुम 5 गांव मांग रहे हो। सुनो कान खोल कर, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न देशो, सुई के नोक के बराबर जमीन ले लेते। 5 गांव में बहुत होता है। गेट आउट, चले जाए। श्री कृष्ण ने कहा जानता है मैं कौन हूं, गेट आउट कर रहा कौन हो तुम। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अनंत कोट सूर्य, अनंत कोट ब्रह्मांड मेरे अंदर है। दुर्जन कहता है अरे जादू कर किसी और को जादू मेरे दिखाना, मैं चिंतन में नहीं आता। मैं फिर कहता हूं सूर्यचंद्रम नहीं बना सी बिना युद्धे रितेश हो, युद्ध करते ही अब तुम कुछ पा सकते हो। ये सब जादूगरी का खेल दिखा करके नहीं पा सकते हो। लौट आए विचार अपना सा मुंह लेके और हम लोग विवाह रहे होंगे, मीटिंग किए होंगे, क्या हुआ भाई वो लौट आए युद्ध होने जा रहा है। तुम तो कह रहे थे श्री कृष्ण भगवान है। हाँ है तो ऐसे ही भगवान होते बना भगवान भगवान कुछ नहीं। अगर कूटनीतिज्ञ भी होते पॉलिटिक्स में तो भी कुछ कर तो दिखाते। बैरंग आए और वो चमत्कार को नमस्कार भी नहीं हुआ। संसार में लोग बुला करते हैं मेरे भाई चमत्कार को नमस्कार है, फिर चमत्कार दिखाओ बाबा जी, फिर देखो हम आपको नगर हो जाते हैं। अरे इतना बड़ा चमत्कार दिखाया कि जिस रूप को श्री कृष्ण ने कुल 3-4 जगह दिखाया है पूरी लाइफ में, एक यशोदा को दिखाया है, एक उत्तम मुनि को दिखाया है, उसी विराट रूप को बिना अधिकारी बने दिव्य दृष्टि देकर दुर्योधन को दिखा दिया, फिर भी उसने नहीं कहा। अब और कौन सा चमत्कार इसके आगे होगा जिस पर नमस्कार करेंगे हम लोग। अगर कोई चमत्कार दिखाएंगे बाई चांस ऐसा हो गया होगा, बाई चांस। अरे हमको नहीं मानना है अगर किसी की बात को तो 50 बहाने हैं उसको टालने के। तो हम संसारी कामना लेकर तो भगवान की उपासना करने का नाम ही न ले, ईश्वरीय कामना को लेकर भी अपने सुख की भावना से उपासना न करें, बस केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए। उनकी इच्छा है ठीक, मेरे सामने बैठे रहो बैठे, अब तुम मेरे सामने से चले जाओ 10 साल मत आना, जैसी आज्ञा है ना। सब कुछ बैठे हैं हमको कह रहे हैं 10 साल के लिए अलग हो जाओ। क्यों ऐसे क्यों किया, काहे के संत है, काहे के भगवान है, ये सब क्वेश्चन अगर मस्तिष्क में आ गए बस वो शरणागति खत्म, वो प्यार खत्म, फिर तो बक बक करता घूमेगा। अरे सुनो जी वहां कुछ नहीं है, मैं 10 साल रहा हूं, सारे सत्संगी वहां बैठे लेक्चर सुन रहे थे और हमसे कहा खड़े हो जाओ रमेश दिनेश सुरेश खड़े हो, चले जाओ हमारे सामने से 10 साल मत आना हमारे सामने। क्यों कह दिया ऐसा, क्यों कहा, किसी ने कान भरे हो, किसी ने शिकायत की हो। ऐसी गंदी गंदी संसारी बातों में जैसे आप लोग क्या करते हैं अपने गृहस्थी में, ऐसी भावनाएं आप करते रहते हैं आप सब लोग। एक व्यक्ति
ही एक व्यक्ति से जाकर कह देता है महाराज जी कह रहे थे ऐसा, झूठ झूठ फूट के देता है, महाराज जी ने कहा भी। अच्छा ऐसा कहा महाराज? हाँ हाँ, वो तो हमको पहले ही मालूम था। महाराज जी को चिट्ठी लिख के भी नहीं पूछ रहा है। एक लफंगा लड़का है कोई हरियाणा का, वो दिल्ली गया, जयपुर गया, कई जगह गया और लोगों से कहता है हमको रुपया दे दो 200, हमको 500, हमको 400, हमको, और हम महाराज जी के भक्त हैं और हम उनको जाते ही भेज देंगे, और बेवकूफों ने दे दिया। उस सत्संग में भी आया था एक प्रचारक के, क्यों दे दिया? हमने कहा सत्संगी है आप, अगर रुपया आपको देने की बात कभी आवे तो हमसे तुम पहले पूछ लो, हमारी चिट्ठी लिख के जाएगी, फिर तुमसे रुपया मंगाएंगे या किसी को देने को कहेंगे। हम हमेशा एहतियात करते हैं सत्संगी सत्संगी, कोई संसारिक व्यवहार करो समझ पूछ कर करो। महाराज जी का सत्संगी है इसलिए वो महापुरुष है क्या? बिल्कुल मत करो ऐसा, किसी का विश्वास न करो, सब संसारी जीव है। सत्संगी बन करके तुम्हारे घर में अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार करे और तुम उनका विश्वास करो और महाराज जी से शिकायत करने बाद में आओ, महाराज जी हम तो आपका सत्संगी समझते थे। अरे तुम भुज सत्संगी हो, हमारे मायातीत हो क्या? अरे सब माइक जीव है, तुमने क्यों रुपया दिया? तो आपस का व्यवहार संसार के समान करो सब लोग, उसमें सत्संगी के ऊपर एक विश्वास न करो, ये तो परमहंस है मायातीत है। ठीक ठीक व्यवहार करो जैसे संसार में करते हो। भगवत विषय जहां तक संबंध है ठीक है, अगर वो आता है भगवत विषय की बात करता है तुम्हारा लाभ होता है, तुम देख लो तो उसका संपर्क करो, वरना कह दो महाराज हमारा लाभ आपसे नहीं होता है, इसलिए हम आपका संग नहीं करना चाहिए। साफ साफ करो, अपराध नहीं है, अपराध ये है कि भीतर भीतर सोचो घुटन हो टेंशन हो और फिर भी वो आ रहा है आपके घर में कुसंग देने के लिए। साफ साफ करो, वो अपराध नहीं है। तो भगवान के प्रति हमारी कामना तो रहे लेकिन अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए हो, बस इतना सा अंतर है सकाम निष्काम प्रेम। और जहां तक कामना पूर्ति का सवाल है, स्पिरिचुअल कामना, वो तो पूर्ण शरणागति के बाद ही होगी, साधन भक्ति फिर उसके बाद भाव भक्ति। साधन भक्ति माने गवारी भाषा में सुनो, भगवान में मन लगाना, ये प्रैक्टिस। भाव भक्ति माने भगवान में मन लग जाना, नेचुरल। एक दूसरा क्लास, जब भाव भक्ति का अंतिम क्लास आ जाता है यानी 100% सरेंडर हो गया, तब गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति मिलती, तब भगवत प्राप्ति होती है, माया निवृत्ति होती है, सत्ता खत्म। अब इस प्रेमा भक्ति पर पहुंचने के बाद यानी भगवान मिल गए, माया चली गई, सत्ता बन गया, लेकिन अभी सब बात नहीं बनी, अब यहां से बात शुरू होगी बनना। जो सकाम भक्ति करने वाले हैं वो यही रुक जाएंगे, कुछ जाओगे यही रुक जाएंगे। इसके आगे एक और क्लास है सकाम निष्काम मिक्सचर, ऐसी भक्ति करने वाली जैसे महालक्ष्मी वगैरह, अपने सुख का भी ध्यान हो उनके सुख का भी ध्यान हो, दोनों का हिसाब बैठाया जाए, ऐसा प्यार। केवल अपने सुख की बात नहीं,
वाले महापुरुष फिर प्रेमा भक्ति के आगे जाते हैं, स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति तक पहुंचते हैं, बात क्लास क्रॉस करते हैं। इसके आगे वे भी रुक गए, भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी, उनका भी क्लास समाप्त हो गया। इसको सामंजसा रति कहते हैं और सकाम प्रेम को साधारणी रति कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं माधुर्य भाव वाले निष्काम प्रेमी, जो केवल भगवान के ही सुख में सुखी रहते हैं। वे मुस्कुराते रहे जिस प्रकार, बस किस प्रकार ये हम नहीं सोचेंगे, उसको वो सोचे। हम उनके सेवक हैं, हम आज्ञा पालन करेंगे, बस आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब ये नहीं होता है हम खाना खिलावे, हम कपड़ा दे, हम रुपया दे, ठीक है सेवा है, लेकिन स्वामी को लगी है भूख, अब उनको दे रहे हैं हम 4,000 की शॉल, ये कौन सेवा है? स्वामी की जो इच्छा है, जो आज्ञा है, वो हमको पूरा करना है, ये सेवा है। आज्ञा पालन सेवा है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरी आज्ञा मानता है वो मेरा सेवक, और आज्ञा मानना ये भी 3 क्लास का होता है। एक तो बिना कहे सेवा करना, स्वामी की इच्छा को जान लेना, ये योग्यता नहीं है। नंबर 2, उनके कहते ही विभोर हो जाना, हाँ उन्होंने मुझे अपना समझा, अपना अधिकार माना मेरे ऊपर, और मुझसे कोई चीज मांगी, मैं कितना भाग्यशाली हूं, और तो नहीं मांगा मुझसे ही क्यों मांगा। विभोर हो जाए, रोम रोम में उसके आनंद भर जाए, ये नंबर 2 का सेवक। इसी क्लास में साधक आ सकते हैं, पहले वाले क्लास में तो महापुरुष ही आएगी, क्योंकि भगवान की इच्छा को जान लेने की शक्ति और किसमें होगी। और नंबर 3 के सेवक वो होते हैं, अब आज्ञा दे रहे हैं तो मानना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों वेदों में लिखा है गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, इसलिए मानना ही पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। ये भीतर सोचा और सेवा किया, ठीक ठीक आज्ञा पालन किया, ठीक ठीक, लेकिन ये आज्ञा पालन गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि इसमें श्रद्धा की कमी हो गई। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम कृतम, कुछ भी हो असदिते पार्थ हो, श्रद्धा रहित कोई भी कार्य वंदनीय नहीं। नथिंग से समथिंग अच्छा है, वेद में कहा है श्रद्धया देव अश्रद्धया देव। अरे मनुष्य, तुम श्रद्धा से दान करो तो बड़ा अच्छा है, अगर श्रद्धा से न करो अश्रद्धा से करो तो भी करो, करो। एक बार ब्रह्मा की 3 संतानें गई ब्रह्मा के पास, देव मानो मानो, उन्होंने कहा महाराज कुछ आपका लेक्चर हो जाए प्रवचन। तो ब्रह्मा जी ने कहा 3 प्रकार के तो लोग हैं, मैं प्रवचन कैसे दूं? अगर मैं कहूं अच्छा काम करो सब लोग
तो दानवों को बुरा लगेगा। अगर मैं दानवों के पक्ष में बोलूं तो देवताओं को बुरा लगेगा। बड़ी प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा जी ने सोच करके अब तीनों की ओर देख देख कर कह दिया दा 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 स्टैंड अप क्विक मार्क चले गए हो गया। वेद में कथा है दा 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 हो गया नित्य। अब जितने देवता है गए बृहस्पति के पास, जितने राक्षस है गए शुक्राचार्य के पास, यानी अपने अपने गुरुओं के पास सब लोग गए। पूछा कि महाराज ये क्या बोल रहे दा, ये दा माने क्या होता है? अरे दा माने कुछ भी लगा लो, जिस शब्द में पहले दा आता हो। अरे ऐसा नहीं है, उन आचार्यों ने गुरुओं ने बताया देखो देवताओं को कहा है दा माने दम करो, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल करो। तुम लोग बहुत विषयी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में संकल्प से सामान मिल जाता है, इसलिए तुम लोग एकदम आवारा हो गए हो। इंद्रियों पर कंट्रोल करो। और मनुष्यों से कहा दा माने दान करो, तुम्हारा अटैचमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है संसार के सामान में पैसे में। दान करो दान करो, दान में कम कलयुग में, कलयुग में केवल दान ही एकमात्र तुम्हारे कल्याण का साधन है, वही रोके हुए है तुमको ईश्वर की ओर चलने में। प्रकट चारि पद धर्म के कलिम एक प्रधान, ये नके नपिधि दीन उदान करई कल्याण। तुलसीदास ने भी लिख दिया ये नके नपिधि, माने श्रद्धा न हो तो अश्रद्धा यही दो, देना तो दिखो तो श्रद्धा भी हो जाएगी बाद। पहले छोटे बच्चे का सर पकड़ करके उसके बाप लोग महात्मा और भगवान के मंदिर में जोर से दबा देते हैं, सिर्फ रखो। वो बच्चा कहता है जबरदस्ती मेरा सिर पकड़ के दबा दिया, ये क्यों कर दिया? वो नहीं समझता, लेकिन बाद में जब बड़ा होता है समझता, अच्छा ये मतलब है, ये जो मस्तिष्क है इसमें बुद्धि रहती है और ये बुद्धि का समर्पण हो जाए इनके चरणों में, यानी इनकी बुद्धि में हम बुद्धि जोड़ दें, ये मतलब है नमस्कार। आप समझा, लेकिन आदत तो डाला मां बाप ने जबरदस्ती वाली बात की पहले। तो बेचारा गुरु जी भी कह रहे हैं जो ला रहे हो बच्चे को, नहीं महाराज जी आदत डालना है इसको, रोज कोई बात नहीं है, लेकिन इसका असर तबाह करके आपके पैर पर रखेंगे। इसलिए वेद ने कह दिया अश्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, रिया देयम, भिया देयम। तुम डर करके दो, लज्जा से दो, अश्रद्धा से दो, श्रद्धा से दो, तो फिर बात ही क्या है? वो तो फैक्ट है। ऐसा कहा कृपालु ऐसा नहीं कहता, कृपालु तो कहता है देना है श्रद्धा से दो, जो काम करो ठीक करो, समझ कर करो, गलत फलत काम करोगे तो आदत खराब हो जाए, हमेशा के लिए आदत खराब हो जाए। फील करो, अगर तुम श्रद्धा से नहीं दे सकते तो फील करो, एकांत में बैठ कर आंसू बहाओ कि अगर कल तू ना रहा तो तेरा ये संसार तेरे काम आए, किसको मिलेगा संसार? ये संसार वाले तुझे क्या देंगे परलोक में? कुछ नहीं। सोच ले, जो करना है अपने जाने के पहले कर ले, ये सब फील करो तो श्रद्धा पैदा हो, भावना पैदा हो तो लाभ होगा, अन्यथा वही आदत पड़ जाएगी हमेशा के लिए अश्रद्धा की। तो हर काम सही ढंग से समझो और सही ढंग से करने का अभ्यास। ककारा में नहीं रह जाना है पूरी लाइफ। महाराज जी देखिए ऐसा है, एक प्रार्थना है आप, क्या मेरी परीक्षा मत लीजिएगा कभी,
अच्छा जिंदगी में पढ़ते रहो परीक्षा कभी ना दे, दर्जा एक भी रहोगे हमेशा तुम। अरे भाई तुमको चैलेंज करना चाहिए, मेरी परीक्षा लीजिए, तुम डरते क्यों? अब अगर ऐसे डरना है तो हमारे स्कूल में आते काहे को, अपने दरबार में रहो, तुम्हारी न कोई परीक्षा होगी ना पढ़ाई होगी, झगड़े समाप्त हो गया। बड़े प्यार से एक नहीं हजारों हमारे पास आकर ऐसा पूछते हैं, महाराज जी और सब परीक्षा मत लीजिएगा। अरे संसारी इम्तहान देते हैं आप लोग, अगर इम्तहान का डर न हो तो कोई बच्चा काका काका भी नहीं पढ़ सकता, इसीलिए साल भर के पढ़ाई होती है तो बच्चे दो तीन महीने पढ़ते हैं, बाकी टाइम खेलते रहते हैं। अरे इतने चार महीने हैं पढ़ने के, और जो कल इम्तहान है तो रात भर जाते हैं, भले ही वो कंफ्यूज हो जाए पेपर करते समय, लेकिन सारी रात चाय पी पी के जागे रहे, साल भर नहीं पढ़ा, लापरवाह है। आखिर शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ते फिर नौबत ना आती कि रात रात भर जागना पड़े तुमको। हमको डरना नहीं चाहिए, अगर हम चलते चलना चाहते हैं उस मार्ग में, और चलना कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक चलो, और चैलेंज के साथ सही ढंग में निष्काम भाव से उपासना करना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। माधुर्य भाव के साथ निष्काम प्रेम हो, ये बात विदेश वालों ने भी माना है। एक बहुत बड़ा फिलॉसफर हुआ है कार्डिनल न्यूमैन, उसने कहा अगर किसी को स्पिरिचुअल जगत में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो वो स्त्री बने, स्त्री बने। वेद व्यास ने जब उनसे सवाल किया गया संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन, तो उन्होंने पहला शब्द कहा स्त्री। और हमारे देश की स्त्रियां थोड़ी बहुत जो पढ़ी लिखी है वो कहती हैं आपके शास्त्रकार लोग पुरुष थे इसलिए स्त्रियों की बुराई करते हैं। वेद व्यास ने लिखा है सर्वश्रेष्ठ है स्त्री, क्योंकि माधुर्य भाव से जब भगवान की उपासना की बात आती है तो स्त्री को भगवान को प्रियतम मानने में कोई परिश्रम नहीं, क्योंकि संसारी लोगों को प्रियतम माने नहीं, ये ब्याह किए है उनका पति है ये कोई न कोई। और पुरुष को अपने शरीर को स्त्री रूप में मान करके, श्याम सुंदर को प्रियतम रूप में मान करके वो भावना बनाना है, ये मेहनत कुछ दिन तो बड़ी मेहनत पड़ती हो। अरे मैं तो उपासक उपासक हूं नहीं, आप लोग करते ही जाते हो, बड़ा परिश्रम पड़ता होगा अपने को स्त्री अंग वाला माने। श्याम सुंदर मेरे साथ छेड़खानी करेंगे अब कर रहे हैं ये सब भावना बनावे, बड़ा परिश्रम है, बाद में तो हो जाएगा, मामूली बात है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रारंभ में कठिनता है और स्त्रियों के लिए स्वाभाविक, इसलिए स्त्री को श्रेष्ठ कहा वेद व्यास ने। माधुर्य भाव से उपासना करने से ही हम सब प्रकार का रस ले सकेंगे। माधुर्य भाव का मतलब स्त्री पति नहीं होता, ये आप लोग खूब समझ लीजिए, स्त्री पति जो होते हैं संसार में वो माधुर्य भाव नहीं है, वो माधुर्य भाव का एक अंश है, आभास। माधुर्य भाव से कहते समझ लो जैसे स्त्री का एक पति है और दूसरे पुरुष से वो छुप छुप के प्यार करती है, यह समझ लो। प्रियतम शब्द जो है वो चार भाव में होता है, चार भाव माने अपना अधिकार नहीं है, विवाहिता स्त्री नहीं है, चोरी चोरी प्यार करती है, वो है माधुर्य भाव। और उस माधुर्य भाव में एक भाव पति का ही नहीं है,
वो हमारा पति भी है, हमारा बाप भी है, हमारा बेटा भी है, हमारा सखा भी है, हमारा स्वामी भी है, हमारा सब कुछ है। इसका नाम होता है मातृभाव। संसार में ये सब अलग अलग होते हैं। बाप अलग होता है, बेटा अलग होता है, भाई अलग होता है, लेकिन ईश्वर के यहां ऐसा नहीं होता। वह तुम्हें सर्वम मम देव देव। लेकिन ये बात केवल माधुर्य भाव में होगी। वात्सल्य भाव में अगर उतर आए आप प्रियतम नहीं मान सकते भगवान, कंट्रोल हो गया। अब कटु आडर लग गया, यशोदा श्री कृष्ण को प्रियतम नहीं मान सकती, ये सौभाग्य उसको नहीं मिलेगा। आओ घर में बांध दे, गंगा जी खावे, सब कर ले, लेकिन प्रियतम भाव नहीं पा सकते, महाराष्ट्र में नहीं जा सकती यशोदा, वो अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन यशोदा वाला अधिकार गोपी को मिल जाएगा, यशोदा वाला अधिकार गोपी को प्राप्त है। माधुर्य भाव वाला वात्सल्य भाव में जब चाहे चलाओ, लेकिन वात्सल्य भाव वाला माधुर्य भाव में नहीं जा सकता। इसी प्रकार सख्य भाव वाला जो उससे भी नीचे है, वो वात्सल्य भाव में भी नहीं जा सकता, माधुर्य भाव में कौन कहे। और दास भाव वाला और नीचे आ गया, वो सख्य भाव में भी नहीं आ सकता। एक गवर्नर के पास गया चीफ मिनिस्टर, एक दूसरे गले में हाथ डाल करके एक सोफा सेट पर बैठ करके हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चपरासी भी खड़ा था वहीं पर, उसने कहा ये बढ़िया है, हम भी यही करेंगे कल। वो चपरासी भी गवर्नर के गले में हाथ डाल के बैठने लगा सोफे पर। गवर्नर ने कहा पागल हो गया है, बदतमीज, गेट आउट, निकल जाओ सर, मिस्टर डिस्चार्ज। अरे सरकार आप क्या कर रहे तो कल वो आए थे ना चीफ मिनिस्टर साहब, तो आपको बड़ा आनंद मिला था ना गले में हाथ डालने से, तो हमने कहा हम भी डाल ले, आपको आनंद मिलेगा, हम तो आपको सुख देने के लिए ऐसा कर रहे थे। है तू दास है, वो सखा है, इसको अधिकार प्राप्त नहीं है। तो माधुर्य भाव में जो पहुंच जाते हैं, उनको नीचे के भावों में आने का पूर्ण अधिकार है। चाहे जब आ जाए तत्काल आ जाए, एक एक सेकंड में चेंज करें, वो मेरे प्रियतम, तो मेरा बच्चा, वो मेरे पिता, आज भैया तू ले लो मेरे भैया। यानी हम संसार में कोई नाता जोड़ने के लिए न छोड़े, नहीं तो वहां मन काटे मृत हो जाएगा, अनंत नहीं बनेंगे। जैसे संसार में किसी के पति भी हो, बेटा भी है, माँ भी है, बाप भी है, भैया भी, तो लोग धर्म का भैया बनाते हैं। बहुत सी लड़कियां, अरे हम किसको राखी बांधे, किसको बांधे, एक भैया बना ले, जबरदस्ती का भैया। अब कितनी लड़कियां तो भैया बनाने के बाद किसी को पति बना लेती है, और यहां तक पहुंच जाती है बात दुनिया में। तो एक बीमारी है मनुष्य में कि उसको बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए। ये सब प्रकार के रिश्ते के प्यार का संस्कार है प्रत्येक के हृदय में, वो बीमारी है। तो भगवान को ही तुम सब कुछ मान लो छुट्टी, वो कहता है हम सब कुछ बनने को तैयार, डरो मत। वहां अपराध नहीं, वहां कोई किंतु परंतु लेकिन मगर चूंकि नहीं लगा, सब कुछ है वो। लेकिन निष्काम भाव का ध्यान रहे, केवल उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी इच्छा में इच्छा रख करके, उनकी आज्ञा पालन को लक्ष्य रख करके ही हम उनसे प्यार करें। जब आप बार बार सोच करके इस निश्चय पर डर जाते हैं, तब भगवान को सर्प दिलाना पड़ता है, ये मामला सीरियस है, ये बड़े पक्के गुरु का चेला है। अब यहां हमारी दाल नहीं गली, ये हमें खरीद लेगा, अब हम नहीं बचेंगे।
बिकना पड़ेगा भगवान को उस त्योहार में। और अगर आपने अपनी कामना भगवान संबंधी, ध्यान रहे, अपनी कामना भगवान संबंधी बनाया, बस गड़बड़ में पड़ जाएंगे, चाहे महापुरुष से प्यार करें, चाहे भगवान से करें, चाहे दोनों से करें। हम उनकी इच्छा में इच्छा रखे, अरे हम दास हैं। दास का मतलब क्या है? स्वामी की इच्छा के अनुसार। देखो आप आत्मा है, एक चाहे दास है, और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब दास। तो 24 घंटे जो कुछ वर्क आप करते हैं, दासत्व करते हैं, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आत्मा की, वो आत्मा के अनुकूल करते हैं, प्रतिकूल नहीं करते। खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाया है आत्मे अनुसार में, क्या चावल में खुशबू है, क्या बढ़िया दाल है, क्या बढ़िया कंकड़ आया है, सब बिगड़ गया, मुंह बिगड़ गया, नाक सब बिगड़ गए, और चावल पीना नहीं, क्या रे अंधी हो गई, बूढ़ा हो गई। ये हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब दासता कर रहे हैं स्वामी की, यानी आत्मा की, प्रतिक्षण सर्विस कर रहे हैं। और जिस समय वो इतराज करती है, सर्विस बंद, खाना खा रहे हैं, इतने में लड़का गिर गया छत पर से, खाना छोड़ो, ऑर्डर हुआ आत्मा का, खाना छोड़ो, भागो, उठाओ पहले, बड़ा मजा आ रहा था खाने में, ये क्या मुसीबत आ गई, अरे मजा भाड़ में जाए। अब उसकी इंपॉर्टेंस, जो भी कार्य संसार में हम करते हैं, बुद्धि में जैसा हमारा निश्चय होता है उसी के अनुसार करते हैं। इसलिए हमें संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके, यानी संसार संबंधी कामनाओं को घुमा करके उन्हीं कामनाओं को ईश्वर में अर्पित कर देना है, और समस्त भावों को उन्हीं में कर देना है। इसका पहले अभ्यास करना है। मन से, इंद्रियां हाथ है, अच्छा है ना, वो हम आपको रोकते नहीं कि इंद्रियों को मत लगाओ सर्विस में, वो तो मन की सर्वेंट है ही है, इंद्रियां लगाओ अच्छा है। आप केवल रूप ध्यान कर रहे हो तो क्या होगा, एक खट से कोई तस्करी गिरी, किसी बच्चे ने गिरा दिया, अब तुम्हारा रूप ध्यान चला गया हो, कौन तस्करी तोड़ दिया, फिर 4 रुपए की तस्करी खरीदो, डांटे पत्नी, कौन लड़का है हमारा, एक लेकिन भयंकरों का करता है हमको, लेकिन तोड़ दिया आपने तस्करी, लेकिन भयंकरों क्या करता है, वो तस्करी आपको गलत नहीं करते, ऐसा हमारा आइडिया है आपको, तो इसलिए ये सब संकीर्तन वगैरह साधना बताया है शास्त्रों ने, कि भाई बाजा भी रहे और आवाज जोर से हो तो खट पट गुच्छी हुआ करे, घर के डिस्टर्बेंस आपको कम मिलेंगे। तो रूप ध्यान में ये हेल्पर है, सहायक है, लेकिन मेन चीज है राधा कृष्ण में मन को लगाना। राधा कृष्ण के 3 रूप होते हैं, एक निर्गुण निराकार रूप, एक सगुण निराकार रूप, और एक सगुण साकार रूप। फिर से सुनो, एक बात में समझ लिया करो, एक निर्गुण निराकार रूप जिसको ब्रह्म कहते हैं आप, गुण भी नहीं है उसमें कोई, आकार भी नहीं है उसका कोई, ऐसा ब्रह्म, ये राधा कृष्ण का ही रूप बता रहा हूं मैं, यही राधा कृष्ण है, उनका वो रूप है निर्गुण निराकार ब्रह्म का रूप। दूसरा रूप सगुण निराकार, यानी भगवान में गुण तो है
बिलीफ वगैरह क्रिश्चियन फिलॉसफी है, ये भगवान के गुण मानते हैं, भगवान दयालु है ये भी मानते हैं, वो रहीम है करीम है, उसके आगे हम अगर अरदास करें हम कुछ मांगे तो वो देता है, दयालु है, लेकिन आकार वाकार नहीं है, यानी सगुण है लेकिन निराकार, ये नंबर दो होगा। और तीसरा है सगुण भी है साकार भी है, ये राधाकृष्ण का गुण भी है, तो सगुण साकार हमारा इष्टदेव है, उसकी उपासना करना है मन को, लेकिन बड़ा भारी लेकिन आ रहा है, हम लोगों के सामने सबसे भयंकर प्रश्न आता है कि क्यों जी जब भगवान को हमने देखा नहीं तो ध्यान क्या करें, पत्थर का, वो जो पत्थर की मूर्तियां बनी है मंदिरों में उसका ध्यान करें, किसका ध्यान करें, पत्थर की मूर्ति में तो हमें कोई आनंद मिलता नहीं, हम प्रत्यक्ष देखते हैं तब, और ध्यान करने में क्या मिलेगा, अपने बेटे को देखते हैं प्रत्यक्ष, अपनी बीवी को देखते हैं, अपने पति को देखते हैं, अपने बाप को देखते हैं तो अधिक सुख मिलता है, और भगवान के मंदिर में जो पत्थर वाले भगवान को देखते हैं तो उतना भी सुख नहीं मिलता है, केवल मंत्र बोल देते हैं तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तो भगवान को देखा नहीं फिर प्यार कैसे हो, यानी रूप ध्यान कैसे करें, रूप ध्यान में पॉइंट है, क्योंकि मन का लगाव सगुण साकार में कैसे होगा, उसका आकार है क्या, कोई आदमी उस तरह का संसार में हो बता दो तो वैसे ही हम ध्यान किया करें भाई, कैसा है उसका आकार जिसका हम ध्यान करें, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भयंकर है, इसलिए इसका हल कल किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।